दोस्तों, हमारे भारत के युवाओं के लिए ना आईएएस ऑफिसर बनना एक सपना होता है ना? देश की सेवा करने का जज्बा, लोगों की मदद करना और समाज को आगे बढ़ाना, ये सारी बातें आईएएस से जुड़ी होती हैं। एक आईएएस ऑफिसर होने का मतलब है देश के विकास में भागीदार बनना, नई नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना। हाँ, ये सफर आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप में इच्छा शक्ति है, लगन है और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं, तैयारी से लेकर चयन तक सब कुछ। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है जो आपको 2025 में आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा। तो आइए इस सफर को एक साथ शुरू करते हैं और आपके सपनों को नई उड़ान देते हैं। देखिए, आईएएस एग्जाम देने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तीसरी जरूरी बात है उम्र सीमा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष है, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एससी एसटी के लिए 37 वर्ष। दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। ध्यान रखें, एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आप सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं, ये अच्छे से चेक कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट देख सकते हैं। देखिए, आईएएस एग्जाम की तैयारी कोई मजाक नहीं है। ये एक लंबी और मेहनत वाली प्रक्रिया है जिसके लिए आपको पूरी तैयारी, पक्का इरादा और एक बढ़िया स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जो आपके हिसाब से सही हो। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। किताबें चुनते समय ध्यान रखें और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पर ज्यादा ध्यान दें। आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। आईएएस एग्जाम के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। यूपीएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन कैसे करें और बाकी सारी जानकारी होती है। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ध्यान रहे, फॉर्म में अपनी सारी जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह सही सही भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आपको आसान लगे, कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। आईएएस एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीएसएटी। जनरल स्टडीज पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल होते हैं। सीएसएटी पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषय होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करने के बाद उम्मीदवार मेंस एग्जाम के लिए योग्य होते हैं। मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। बाकी 7 पेपर मेरिट के लिए होते हैं, जिनमें एसे, जनरल स्टडीज के 4 पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर शामिल होते हैं। जनरल स्टडीज के 4 पेपर में विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन शामिल होता है, जैसे कि एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर में उम्मीदवार अपनी पसंद के किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, जो उनके स्नातक या रुचि के अनुसार हो सकता है। जो उम्मीदवार मेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और जनरल अवेयरनेस का मूल्यांकन किया जाता है। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है और यह अंतिम चरण होता है। इस चरण में उम्मीदवार की ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर सिविल सर्विसेज का आकलन किया जाता है। इन 3 चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद उम्मीदवार आईएएस ऑफिसर बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आईएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। समय का सही इस्तेमाल। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है,
इसलिए अपने पढ़ाई करने के समय का बढ़िया से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नियमितता, रोजाना पढ़ाई करें और खुद को अनुशासित रखें। पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट दें, तैयारी कैसी चल रही है ये पता चलेगा। ध्यान रखें, आईएएस एग्जाम आपके धैर्य, लगन और समर्पण का भी इम्तिहान लेती है। जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो यूपीएससी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करता है। यह सूची उम्मीदवारों के मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। जिन उम्मीदवारों का चयन होता है उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और अन्य सिविल सर्विसेज में नियुक्त किया जाता है। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो आपको प्रशिक्षण के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA जाना होगा। यह प्रशिक्षण आपको एक सिविल सेवक के रूप में आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है आपकी सिविल सर्विसेज में यात्रा की। एक सिविल सेवक के रूप में आपको देश और यहाँ के नागरिकों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। LBSNAA में मिलने वाला प्रशिक्षण बहुत ही कठोर और बदलाव लाने वाला अनुभव होता है। इस दौरान आपको कक्षा प्रशिक्षण, आउटडोर एक्टिविटीज और भारत भ्रमण के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है आपको प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करना। आपको नेतृत्व कौशल, संचार कौशल और समस्या समाधान कौशल भी सिखाया जाएगा। LBSNAA में प्रशिक्षण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती देगा, लेकिन यह आपको एक सफल सिविल सेवक बनने के लिए तैयार करेगा। एक आईएएस अधिकारी होने के नाते आपको बहुत से भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। सरकार आपको अच्छा वेतन, रहने के लिए घर, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते प्रदान करती है। हालांकि एक आईएएस अधिकारी की भूमिका सिर्फ भत्तों तक ही सीमित नहीं है। यह एक बहुत ही जिम्मेदार पद है, जहां आपको देश और यहां के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना होगा। आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होगा, जैसे कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना। तो दोस्तों, आईएएस बनना एक कठिन लेकिन सम्मानजनक यात्रा है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपके पास समर्पण, कड़ी मेहनत और जनसेवा का जज्बा है तो आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, कड़ी मेहनत करते रहें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे।